जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 भीषण सड़क हादसों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। उचेरा थाना अंतर्गत खुजा मोड़ पर बुधवार सुबह सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया, महाकाल ट्रेवल्स की बस सुबह मैहर से उचेरा होकर नागौर जा रही थी, जिसमें 30 यात्री सवार थे। तकरीबन 10:15 बजे खुजा मोड़ के पास चालक की लापरवाही से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क के दाएं तरफ लगभग 12 फीट गहरी खाई में पलट गई। इस दौरान गुजर रहे लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने बचाव अभियान शुरू कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। TI DR शर्मा भी दलबल के साथ वहां पहुंचे और सभी घायलों को FRV और निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद 7 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। रामनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में पिकअप वाहन पलटने से 19 दर्शनार्थी घायल हो गए। पुलिस ने बताया, शहडोल जिले के पपौन गांव से एक ही परिवार के 19 लोग मंगलवार रात को जवारे लेकर पिकअप वाहन से मैहर देवी धाम के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रात लगभग 3 बजे पिकअप वाहन रामनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास चालक की लापरवाही से बेकाबू होकर पलट गया। इस दुर्घटना में वाहन सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत के चलते 3 महिलाओं को मेडिकल अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। महल थाना क्षेत्र के नरौरा में ट्रक की ठोकर लगने से आर्मी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। SDOP हिमाली सोनी ने बताया कि आर्मी की 39 GTC यूनिट के सूबेदार वीरथा तमंग के नेतृत्व में 2 दर्जन जवानों को लेकर वाहन बुधवार सुबह आर्मी कैंप जबलपुर से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। तकरीबन 11 बजे महर थाना अंतर्गत नरौरा के पास सामने से आए ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर आर्मी के ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में आर्मी की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक कैबिन में फंस गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे की खबर मिलते ही SDOP हिमाली सोनी ने फौरन मौके पर पहुंचकर आर्मी के जवानों को आवश्यक मदद उपलब्ध कराई।